बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुलाई 2022, पेज नंबर 18। तो बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त आर्टिकल है, यानी घरेलू टोटके के लिहाज से ज़रूर इसे आप घर में अप्लाई करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। बर्फ़ से बर्फ़ जैसी सफ़ेद रंगत पाएं, चेहरे को तरोताज़ा, चमकदार और सेहतमंद रखने के लिए सबसे बेहतरीन और फ़ायदेमंद अमल स्किन आइसिंग कहलाता है। ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर कोई खर्चा नहीं, लेकिन इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। जो ख़वातीन अपने चेहरे की खूबसूरती बरकरार रखने के लिए नई महंगी से महंगी लोशन और क्रीम्स इस्तेमाल करती हैं और अक्सर उकात चेहरे की जिल्द की मुनासबत से वो इनका सही तौर पर से इंतहाब भी नहीं कर पाती, इनके लिए स्किन आइसिंग एक बेहतरीन अमल है। स्किन आइसिंग यानी चेहरे पर क्यूब्स की शक्ल में बर्फ़ से मसाज करना या बर्फ़ मलना कहलाता है। इस तरीके कार से चेहरा तरोताज़ा होता है, झुर्रियों और लाइनों को ना सिर्फ ख़त्म करता है बल्कि मज़ीद बढ़ने से बचाता है। इसके अलावा चेहरे पर हो जाने वाले दाग धब्बों और दानों को भी ख़त्म करता है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके मुसलसल इस्तेमाल से ना सिर्फ चेहरे पर ब्लड सर्कुलेशन की रफ्तार तेज़ होती है, इस अमल से चेहरा ना सिर्फ निखरता है बल्कि रंग भी साफ होता है। स्किन आइसिंग दिन में किसी भी वक्त की जा सकती है, गर्मियों के साथ साथ ये सर्दियों के मौसम में भी फ़ायदेमंद साबित होती है। स्किन आइसिंग चेहरे के लिए और किस तरह मुफीद हो सकती है? हमवार जिल्द के लिए, चेहरे के लिए आइसिंग जिल्द को हमवार बनाती है, क्यों ना कि इसके मसाज से ना सिर्फ स्किन टाइट होती है बल्कि ये चेहरे के खुले मसाम को भी तंग या सुकड़ने में मदद देती है। ये चिकनी जिल्द पर ज़्यादा पाए जाते हैं, इसकी वजह यह है कि जिस किस्म की स्किन पर ऑयल या चिकनाई का हराज करने वाले ग्लैंड्स का नाम ज़्यादा हो वहाँ मसाम खुल जाते हैं और इन पर मेकअप करना आसान मुश्किल अमल हो जाता है। मसलसल आइसिंग से ना सिर्फ स्किन की टोन बेहतर होती है बल्कि इसमें हमवारियत भी आ जाती है जिससे मेकअप करना आसान हो जाता है। खुले मसामों के लिए चेहरे पर स्किन आइसिंग करना एक बेहतरीन अमल है। खुले हुए मसामों के लिए ये बेहतरीन टोनर का काम करता है और जब मेकअप करने से पहले चेहरे पर आइसिंग कर लें तो ये आपके चेहरे के लिए सूदमंद होगा। इससे मसाम छोटे और तंग हो जाएंगे जिसमें ना सिर्फ मेकअप अच्छा लगता है बल्कि ऐसी जिल्द जिस पर मेकअप से पहले आइसिंग की गई हो इस पर फाउंडेशन हमवार महसूस होगा जिससे स्किन हमवारियत होगी और आपका चेहरा इतना फ्रेश और तरोताज़ा हो जाएगा कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। इसलिए जब कभी आप मेकअप करें तो इससे पहले चेहरे पर आइसिंग ज़रूर कर लें। चेहरे पर निखार लाने के लिए जब चेहरे पर आइसिंग की जाती है और मसाज की तरह बर्फ़ क्यूब्स को चेहरे पर मला जाता है तब दाएं से बाएं और ऊपर से नीचे मसाज करने से खून की गर्दिश बनने लगती है। खून की ये गर्दिश चेहरे के लिए इंतहाई मुफीद होती है, इससे ना सिर्फ चेहरे पर निखार आता है बल्कि रंग भी साफ होता है। इसके अलावा आंखों के गिर्द या तो पे पोटों पर होने वाली सूजन जो अक्सर देहवाबी या नींद की कमी के बायस होने लगती है, इसके हाजमे के लिए स्किन आइसिंग बेहतरीन अमल है। झुर्रियों के हाथमे के लिए जिन ख़वातीन को खुश्क जिल्द जैसे मसाइल का सामना रहता है, इनमें बड़ा मसला झुर्रियाँ या लाइनों के पड़ जाने का भी है और इनके लिए उम्र की कोई हद मुकर्रर नहीं। खुश्क जिल्द की हामिल ख़वातीन ऐसे मसाइल से जो चार रहती हैं, इनके लिए भी स्किन आइसिंग बेहतरीन साबित हो सकता है।
हफ्ते में दो बार रात के वक्त बर्फ़ का मसाज करें, तकरीबन 15 मिनट तक, लेकिन वक्फा से वक्फा। इसके बाद चेहरा टिश्यू पेपर से खुश करें और कोई अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम या लोशन लगा लें। इस अमल से ना सिर्फ पहले मौजूद जुड़ियों और लाइनों का खात्मा होगा, बल्कि नई लाइनें और जुड़ियां बनने का अमल भी रुक जाएगा। सूर्यदानों के हाथ में के लिए, नौ उम्री में अक्सर लड़कियों को सूर्यदाने उबरने की शिकायत रहती है। ये दाने चेहरे पर बदसूरत दिखाई देते हैं। इसके अलावा चेहरे पर होने वाली दूसरी किस्म के दाने और एलर्जी को ख़त्म करने के लिए स्किन आइसिंग इंतहाई मौसर साबित होती है। ये ना सिर्फ दानों का खात्मा करती, बल्कि इनके नतीजे में पैदा होने वाली सूजन और सुर्खी को भी ख़त्म करती है। चेहरे पर उभरने वाले किसी भी एक नए दाने पर बर्फ़ का मसाज करें और इसके हैरत अंगेज नतायज देखें। ये मसाज ना सिर्फ दाने के बढ़ने के अमल को सुस्त कर देगा, बल्कि इनका भी खात्मा करेगा। किसी भी एक दाने पर आइस क्यूब को चंद सेकंड के लिए रखें या फिर इस वक्त लगाए रखें जब तक मुतासर हिस्सा हल्का सा सुन महसूस होने लगे। चेहरे पर दानों के अमल खत्मे के लिए यही अमल हर रात को मसलसल करें। 7 या 10 दिन मुतवातर करने से दाने ख़त्म हो जाएंगे। जलन दूर करने के लिए, अक्सर ख़वातीन को इस बात की शिकायत भी रहती है कि चेहरे पर ब्लीच करने के बाद इन्हें जलन होना शुरू हो जाती है। जिन ख़वातीन की स्किन ब्लीच के बाद जलती है, इसका मतलब है इनकी जल्द नहायत हसास है। ऐसी ख़वातीन को चाहिए कि वो ब्लीच करने से पहले कोई अच्छा सा स्किन टोनर लगाएं। ब्लीच साफ करने के बाद बर्फ़ का मसाज हल्के हाथों से करें। स्किन जलना ख़त्म हो जाएगी। चेहरे पर सूजन और जलन रुकने का बेहतरीन अमल है। जिल्द की आइसिंग के अहम नकात। स्किन आइसिंग के लिए किसी गैर मामूली मशक्क़त की ज़रूरत नहीं। आप इसे सुबह या शाम किसी भी वक्त कर सकती हैं। बस एक वक्त मुकर्रर कर लें। आइसिंग करने से पहले अपना चेहरा अच्छी तरह धो लें। एक या दो आइस क्यूब्स को सॉफ्ट कपड़े में लपेट लें। जब बर्फ़ कपड़े के अंदर हल्के हल्के पिघलना शुरू हो तो तब इसे चेहरे पर लगाना शुरू करें। चेहरे के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर 2 से 3 मिनट तक लगाए रखें और इसकी मोमेंट बिल्कुल इसी तरह रखें जिस तरह फेशियल कराते हुए रखी जाती है, यानी थोड़ी सी जबड़े तक बाहर की तरफ, गाल से कानों के बाहर की तरफ, माथे पर ऊपरी तरफ मसाज करें, आंखों के गिर्द हल्के हाथों से मसाज करें। तो फ्रेंड्स, ये था बहुत ही ज़बरदस्त ब्यूटी के हवाले से आइसिंग मसाज का आर्टिकल। ज़रूर इसे शेयर करें। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।